नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण की बात हो और उनकी बांसुरी की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं। गोपियों को मदमुग्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से ही सारे जगत में सवेरा होता है। सारे पक्षी पशु सभी उन्हीं की बांसुरी की आवाज सुनकर उनके पास आ जाते हैं। सभी देवी देवताओं के वाहन भी जब तक नहीं चलते हैं जब तक कि श्री कृष्ण की बांसुरी न बज जाए। उनकी मधुर ध्वनि सभी के कानों में पड़ने से जीवन का सत्कार हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय मानी जाती है। श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं उससे निकलने वाले संगीत को गोपियां सुनकर मंदमुग्ध हो जाती हैं, जिसका ना तो उन्हें अपना होश रहता है और ना ही किसी जगत की खबर रहती है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी मिली कैसे? हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के घर पे जन्म लिया था, जो कि उनके बाल रूप था। बाल रूप के टाइम पर ऊपर से सभी देवी देवता धरती पर उनके बाल रूप को देखने के लिए आ रहे थे और उस समय उन्हें कोई न कोई सभी भेंट देते हुए जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने भी सोचा कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करके आऊं, तो वह सोचने लगे कि जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या दूंगा और भेंट में वह क्या देना चाहते थे। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास किसी गुरु की, जो कि यदिशा गुरु थे, उनकी हड्डी पड़ी थी। उन ऋषि ने प्राण त्यागे थे तब के अपने जीवन को और भी ज्यादा सत्कार बनाने के लिए और अपने जीवन को और भी ज्यादा प्राण रूप बनाने के लिए। तो उस समय जो हड्डी उनके सामने आई उन्होंने उसे बांसुरी बना दिया और बांसुरी लेकर भगवान शिव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और वह बांसुरी उन्हें गिफ्ट में उपहार में दी। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे प्रिय हुई। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।